नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट मनी, खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी और रोज की तरह बताए जाएंगे आपको 20 दमदार सौदे। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं आज डिम्पी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संकेत किसी भी लिहाज से सुधार नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये जो ट्रेड वॉर की सिचुएशन पैन आउट हो रही थी, अब कल उनके यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भी बोल दिया कि हम शुक्रवार से ही यहाँ पर जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं उस पर ड्यूटी बढ़ाने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है कि कल चीन के उपराष्ट्रपति यूएस का दौरा करेंगे डेलीगेशन, हालांकि साइज छोटा होगा लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट फैसला होने वाला है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप का नेगोशिएशन करने का ये स्टाइल है कि वो पहले बहुत ज़्यादा हड़कंप मचाते हैं अपने ट्वीट के जरिए और उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़े रिलैक्स कर देते हैं, पर फिर भी सेंटिमेंट ऑलरेडी बहुत कॉशियस हो चुका है और सहमा हुआ है बाजार। ग्लोबल सेटअप बता रहा है, एशियन मार्केट्स में कोई ऐसा मार्केट आपको दिखाई नहीं देगा जहां पर हरे निशान में कामकाज हो रहा हो। औसत गिरावट है 1% के आसपास की, निके सबसे ज़्यादा टूटा है 1.5% और एसएक्स निफ्टी भी दबाव। इसकी गंभीरता इसी से लगाई जा सकती है कि दो दिन बैक टू बैक मार्केट्स के अंदर गिरावट रही है। ऐसा नहीं था कि कल बाजार के अंदर बहुत बड़ी रिकवरी हमने आती हुई देखी हो। कल हम गैप के साथ खुले जरूर, लेकिन इंडियन मार्केट ने भी अपनी मंशा साफ कर दी थी कि वो डीकपलबल नहीं होना चाहता, अभी वो ग्लोबल मार्केट के साथ जाना चाहेगा। चुनाव के चरण तो अभी चल ही रहे हैं, अभी दो फेजेस में और वोट भी होना है, लेकिन ये जो ग्लोबल मार्केट की चिंता है ये है। अच्छा, एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दो आप पैमानों से ग्लोबल मार्केट्स के इवेंट को देख सकते हैं। पहला, चाइना का जो डेलीगेशन है उसमें उप प्रेसिडेंट जा रहे हैं, यानी कि डेप्यूटी प्रेसिडेंट का जाना अपने आप में गंभीर बात है। सेक्रेटरी लेवल की बातचीत नहीं है ये, अब ये आला दर्जे की बातचीत होगी, तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये शुक्रवार को ड्यूटीज लगने से पहले ही वो अमेरिका पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो डेट हमारे पास आई थी वो 9 और 10 तारीख है, यानी कि उससे पहले ही कल वो पहुंच जाएंगे। तो ये बस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कल के सेशन में क्या पैन आउट होता है। जैसे रजत भी कह रहे थे कि हो सकता है स्टाइल भी हो ट्रंप का कि पहले इतना जोर मचाया जाए, शोर मचाया जाए और उसके बाद वापस से उसको सेटल डाउन कर दिया जाए, तो जरूर ध्यान रखिएगा। खैर, इस बीच कल के ट्रेड फटाफट से आपके सामने हम रख लेते हैं। रजत, आपको बता रहे हैं कल के ट्रेड। बिल्कुल, आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली, देखिए लेटर हाफ में टूटा, लगातार पांचवा ऐसा ट्रेडिंग सेशन था जब बाजार में कमजोरी देखने को मिली, लेकिन आपको मॉर्निंग ट्रेड्स जो बताए गए थे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस और टारगेट्स लगाने की सलाह दी गई थी, उसमें पहला स्टॉक सीजी पार, ये स्टॉक तो दिन भर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। इसके अलावा मैरिको, अच्छा प्रदर्शन था, 6% के रिटर्न नतीजों के दम पे और बैंक की शुरुआती सत्र में ही अपने टारगेट्स को हासिल करता हुआ नजर आया। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर तेजी बनी। और इसके अलावा ग्लोबल स्पिरिट, ये स्टॉक आज भी रहेगा रडार पर, नतीजे बेहतर आए और मारुति सुजुकी, लोअर लेवल से रिकवरी थी लेकिन लेटर हाफ में टूट गया ये स्टॉक। इस बीच मैंने भी कल आपको जो शेयर्स दिए थे उसमें ज्यादातर शेयर्स मेरे बाय के ही थे। फर्स्ट हाफ तक तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन बाद में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली वहाँ पे भी हुई है। डॉक्टर रेड्डीज कल भी चला, 21 रुपये जोड़े इसने अपनी तेजी के साथ, और वोल्टास के अंदर भी कल 4-4.5 रुपये की हमको गिरावट आती हुई देखी, लेकिन एक बार के लिए इसके अंदर भी अच्छा खासा मूव हमको वापस बनते हुए दिखा था, तो दोनों ने अपने टारगेट भी अचीव किए। अब आज के शेयरों के बाद, आज के शेयरों की सूची तैयार है। पहला शेयर होगा अल्ट्राटेक सीमेंट, आप इस पे ध्यान रखिए। सीमेंट कंपनीज के अंदर ना अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। कल परसों दो तीन दिन से लगातार फंडामेंटल एनालिस्ट से भी बातचीत कर रहे हैं कि सीमेंट कंपनीज को लेकर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। कल जब 100-100 पॉइंट टूट भी रहा था ना बाजार, तब भी अल्ट्राटेक का शेयर हरे निशान में बकायदा बंद हुआ है। तो 4570 कंजम्पशन का प्ले ठीक है, प्राइसिंग पावर इनके हक में है और ऐसा कहीं भी कुछ दूर दूर तक नहीं दिख रहा कि सीमेंट कंपनीज के लिए कहीं कोई मुश्किल बनती हुई दिखे। अब सरकार भले किसी की भी आए, लेकिन हाँ एक चीज़ तय है कि अगर ग्रोथ मेंटेन रहती है 7% की, भले किसी भी का भी एजेंडा हो, तो फिर सीमेंट कंपनीज की आप मांग को अभी ख़त्म नहीं कर सकते। 4500 का एक स्टॉप लॉस रखें, 4570 का एक टारगेट रख के आज खरीदारी करें। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक और शेयर भी रखा है, ये तो बड़ी सीमेंट कंपनी हुई, वो छोटी सीमेंट कंपनी है और वो फुल टॉस शेयर है हमारा, वह मंगलम सीमेंट। इसके नतीजे आने हैं, इसके नतीजे आने 11 तारीख को। अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा है, खासकर छोटी सीमेंट कंपनीज का, वो बहुत शानदार रहा है और बड़ी सीमेंट कंपनीज ने भी, ग्रासिम के अलावा कुछ ज़्यादा बड़ी कंपनीज ने निराश नहीं किया है। तो एक बार इस पर आप ध्यान रखें, मंगलम सीमेंट आज अच्छा खासा चल सकता है। 285 रुपये का टारगेट है, 265 रुपये का स्टॉपस है, नंबर के लिहाज से भी अच्छे नंबर्स आएंगे और सीमेंट की अपनी ग्रोथ, अपने सेक्टर की ग्रोथ भी है। तो 285 का टारगेट, 265 का स्टॉप। देखिए आज ऐसा लग रहा है जैसे दो तरफा ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, शुरुआती सत्र में तो दबाव रहेगा लेकिन उसके बाद क्योंकि 5 ट्रेडिंग सेशन वन वे ट्रैक पर टूटे हैं, तो हो सकता है कि लोअर लेवल से रिकवरी के चांस, और दो दिन से करीब 200 पॉइंट भी खोएंगे। और ऊपर से जो आप बोल रहे हैं चाइना के डेलीगेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब उससे पहले इतने तो कॉशियस रहेंगे ट्रेडर्स की जो मंदी की पोजीशन होंगी उनको भी अनवाइंड करेंगे, लेकिन शुरुआत में मैं दो यॉर्कर शेयर्स उतार दूंगा। ऑलरेडी सेटअप नेगेटिव है, ये आप कंसीडर कीजिएगा, तो टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और अगर आपको रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं अपने फेवर में तो अपने प्रॉफिट्स को जरूर बुक कर लीजिए। आज यॉर्कर शेयर है मदरसन सुमी, वो इसलिए क्योंकि BMW का जो शेयर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो 4% के आसपास टूटा है, हालांकि उन्होंने लीगल प्रोविजन किए लेकिन फर्स्ट क्वार्टर प्रॉफिट जो है उसमें 78% का ड्रॉप देखने को मिला। BMW का टूटना मदरसन सुमी के लिए खतरे की घंटी। कल लेटर हाफ में इस स्टॉक में भी ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली शुरू हो गई
और वो इसलिए क्योंकि 5-7% का जो कुल आय है वो BMW से कमाती है मदरसन सुमी। 126 ये आज के दिन का टारगेट लेकर चलें और 133 का लगा लीजिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऑटो और ऑटो एंसिलरी दोनों ही कमजोर तबके हैं मार्केट पे और जिनका भी एक्सपोजर यूरोपियन मार्केट पे वो स्टॉक्स टूटेंगे। दूसरा स्टॉक यॉर्कर शेयर टाटा मोटर्स, इस स्टॉक पे भी आप नेगेटिव प्ले कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर BMW के ही नतीजे बेहतर नहीं है तो फिर JLR से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। यूरोपीय बाजार में एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, टाटा मोटर्स वन वे ट्रैक पर टूट रहा है, हो सकता है बाजार शुरुआती सत्र में कमजोर रहे तो ये स्टॉक भी कमजोर खुले। 186-185 की रेंज के लिए इसको बेचें, 193 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, लेकिन स्ट्रिक्टली अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो कीजिए। ऑलरेडी बिकवाली इन स्टॉक्स में शुरू हो चुकी है। टाटा सन्स भी इनफैक्ट अब कहीं उनके ऊपर भी जांच के घेरे में आए हैं। GST का उनका रेगुलेशन का एक मामला है कि उन्होंने जब एंटिटी डोकोमो की डील की है तो उसके अंदर GST को प्रॉपरली पे नहीं किया गया है, तो 1500 करोड़ रुपए का करीब करीब मामला बन रहा है। तो टाटा ग्रुप पे है प्रॉब्लम, हालांकि वो सिर्फ टेलीकॉम से ज़्यादा, हाँ टाटा कम्युनिकेशन है, टाटा टेली महाराष्ट्र है, लेकिन वो 2 रुपए का शेयर है तो उसमें कुछ खास बड़ा रिएक्शन आप काउंट नहीं करेंगे। टाटा कम्युनिकेशन के आज नंबर्स है और टाटा कम्युनिकेशन ही इससे थोड़ा सा और कनेक्टेड हो सकता है डील से। तो टाटा ग्रुप में अगर आप कुछ देख रहे हैं इस खबर के हिसाब से जो GST वाली है वो तो फिर आपको टेलीकॉम में दिखेगी, लेकिन हाँ जो टाटा मोटर्स के आंकड़े आपको बता रहे हैं या फिर जो ग्रोथ बता रहे हैं यूरोपियन मार्केट्स में, डी ग्रोथ इनफैक्ट, वो तो टाटा मोटर्स में अपना इंपैक्ट छोड़ेगी। एक और शेयर हमारी लिस्ट में है, हमने बैक टू बैक आपके सामने एक फुल टॉस और रखते हैं, मंगलम सिमेंट जो रखा और दूसरा फुल टॉस है वह ग्रेनल्स इंडिया। इसके साथ ना दोनों चीज़ें हैं आज। पहली अच्छी चीज़ क्या है इसके साथ कि ये फार्मास्यूटिकल की कंपनीज है, थोड़ा डिफेंसिव है, आपको एकदम से एग्रेसिवली 8-10% का कट इसमें नहीं आता है वो देखेगा। फिलहाल ये स्टेबल हो गया है, पिछले 2 दिन का अच्छा खासा कंसोलिडेशन, बाद में तेज़ी भी दिखी, तो एक तो स्ट्रक्चर का, दूसरा सेक्टर का बेनिफिट इसके हाथ में। अब तीसरी चीज़ क्या, तीसरी चीज़ इसके नंबर्स है, इसकी अर्निंग्स है। 9 तारीख को इसके नतीजे आ रहे हैं, नतीजे बेहद शानदार रहेंगे, ये कंपनी घाटे से मुनाफे में लौट आएगी, साल दर साल, तिमाही दर तिमाही कम से कम 500% का प्रॉफिट का राइज आएगा इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, क्योंकि पिछली बार एक एडजस्टमेंट भी थी उसको ये बेस बना लेगा। तो एक अच्छी चीज़ है इस ग्रेनल्स इंडिया के साथ कि आपको नंबर्स का बेस अच्छा है, सेक्टर का बेस अच्छा है, स्ट्रक्चर का बेस अच्छा है, इसलिए हमने इसको फुल टॉस की कैटेगरी में डाला है। 117 रुपये का टारगेट है, 107 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखें, ग्रेनल्स इंडिया हमारी तरफ से है। एक और शेयर जिसके नंबर आज ही आने हैं, हमने कल भी अपनी शीट में खिलाया था, कल भी बकायदा हरे निशान में था, वो था धनलक्ष्मी बैंक। अब इसमें ध्यान रखें, ये बैंक भी ऐसा है जो PCA के बाहर निकलने के बाद पहली बार अपने नतीजे दिखाएगा। कल भी 1960 के आसपास था जब 100 पॉइंट निफ्टी नीचे था, इस बैंक को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। 21 रुपये का टारगेट रखे, आज भी आपका खरीदे इसमें। ये बैंक भी आपको लॉस टू प्रॉफिट आता दिखेगा, मार्केट उसको ज़्यादा रिवॉर्ड कर रहा है जो अपनी तस्वीर बदल रहा है, घाटे से मुनाफे में आ रहा है, भले विदाउट एडजस्टमेंट आ रहा तो और अच्छा है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट भी काउंट हो रही है तब भी उसको काउंट कर लेता है। तो 18.90 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखें, 21 रुपये का टारगेट है, आज इसके नतीजे हैं, नतीजे बेहद अच्छे आ सकते हैं। स्टॉक है बहुत इंटरेस्टिंग होगा, थॉमस कुक, जैसे कल के सत्र में तो टूट गया लेकिन मैंने उतार दिया गुगली शेयर, हो सकता है कि आज रिवर्स गियर में रहे, निश्चित रूप से कुछ खरीदारी स्टॉक पे देखने को मिले। 255 का टारगेट है और 240 का स्टॉप लॉस, वो इसलिए क्योंकि यूरोपीय बाजार में थॉमस कुक का जो शेयर है उसमें 6% का इजाफा देखने को मिला है, क्योंकि लुफ्थांसा ने इनके कॉन्डर जो कैरियर है उसके लिए नॉन बाइंडिंग ऑफर कर दिया है और वो बाकी की एयरलाइंस भी थॉमस कुक ग्रुप के जो हैं उनको खरीदने की इच्छा जता रहे हैं। एक अच्छा ट्रिगर था थॉमस कुक, किसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6% की तेजी में था, हो सकता है आज घरेलू बाजार में भी स्टॉक पे एक सेंटिमेंट इफेक्ट देखने को मिले। 255 का टारगेट और 240 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, इसको अपने रडार पर रखें, तेजी की साइड का कैंडिडेट है। और नतीजों के दम पे जो चलेगा फुल टॉस शेयर वो है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। देखिए वैसे भी पिछले कुछ सत्रों से लगातार एक्शन में है ये स्टॉक, लेकिन जो नतीजे आए वो बहुत दमदार हैं ऑपरेटिंग लिहाज से। 135 करोड़ से कामकाजी मुनाफा सीधा बढ़कर हो गया 215 करोड़ सालाना आधार पर, और इनका जो मुनाफा है उसमें तो ऑब्वियसली 15 करोड़ से बढ़कर 72 करोड़ की फिगर आ गई, क्योंकि टॉप लाइन यानी कि सेल्स फिगर ही बहुत स्ट्रांग थी, उसका इंपैक्ट देखने को मिला। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 245 इस लक्ष्य के लिए खरीदा जा सकता है, 224 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको चारों शेयर बताया ना, चारों के चारों बाय के थे, अब दो शेयर में इस सेगमेंट के अंदर आपको थोड़ा सेल के बताता हूँ। पहला कल सीमेंस, कल हमारे साथ संदीप वागले जुड़े थे तो उन्होंने आपको कुछ शेयर्स दिए, उसमें बांटा था सीमेंस, उनका वीक स्ट्रक्चर दिखा, उन्होंने शॉर्ट करने की राय दी, कल बकायदा डे लो पे जाके बंद हुआ। ये शेयर और टूट सकता है आज, इसके अंदर और गिरावट आ सकती है, 1110 तक भी आ सकता है, क्योंकि शुरुआती तौर पर और झटका लगेगा, आपका कल की पोजीशंस पड़ी हुई है तो आपको और अच्छा है।
आज आप सुबह सुबह बनाना चाहते हैं तो एक बार 1132 का स्टॉप लॉस रख के इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं। नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले दो दिन में स्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर हुआ है, थोड़ा चला हुआ शेयर भी है, इसलिए हल्का होने में कोई गुंजाइश नहीं है, पूरी गुंजाइश बनती है। इनफैक्ट 1110 का टारगेट रखें, 1132 का स्टॉप लॉस है, सेम इज हमारी तरफ से एक शॉर्ट काउंटर है। एक और शॉर्ट भी हमने कल आपके सामने रखा था, उसको हमने आज यॉर्कर की कैटेगरी बनाया क्योंकि उसको लेकर ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी चिंता हो सकती है। वो है बर्जर पेंट, क्रूड के प्राइजेस थोड़ी मुश्किल लेके आ सकते हैं, कंजम्पशन ढीला है, चुनाव है उसके बावजूद भी कंजम्पशन ढीला है। हम कई दिन से लगातार बात कर रहे हैं कि कंजम्पशन को लेकर थोड़ा डाउट दिख रहा है, कई महीनों के निचले स्तरों पर कंजम्पशन खड़ी हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल दिख रहा है बर्जर पेंट के लिए अपने सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के आंकड़ों पर चल पाना। क्रूड इसको डिस्टर्ब करके रखेगा, इस बार के क्वार्टरली नंबर्स पे भी क्रूड का इंपैक्ट सारा आएगा आपके पास, कंसर्न एनालिस्ट के नंबर्स ने आपको साफ साफ बता दिया। तो बर्जर पेंट के अंदर आप फिर से कमजोरी देखेंगे, कल भी डे लो पे जाके बंद हुआ, तो एक तो कॉस्टिंग की प्रॉब्लम, इनके पीयर ने ये बता दिया कि आपके मार्जिन आपको ठीक नहीं मिलेंगे, ग्रोथ से कुछ खास बड़ा सहारा नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की जो कमोडिटी बेस्ड कंपनीज हैं ना उन पे आपको प्रेशर आ सकता है। अगर गलती से ईरान वाला मामला थोड़ा बड़ा हो गया, तूल पकड़ गया, तो फिर अगर क्रूड चल गया तो आप ऑयल मार्केटिंग पे तो पता नहीं कितना असर होगा नहीं होगा, लेकिन पेंट वाली कंपनीज के लिए जो रही के कसर है वो भी पूरी हो जाएगी, तो फिर इसमें आप और तेज़ी गिरावट देखेंगे। 298 का टारगेट, 308 का स्टॉप। चलिए अगला शेयर होगा RCF, जिस पर नजर रख के चलनी होगी, और नतीजों का ही ट्रिगर है, दमदार नतीजे इस कंपनी ने पेश किए हैं, 60 का टारगेट रखें, 55 का स्टॉप लॉस, और वो इसलिए क्योंकि इनकी जो आय है वो 1961 करोड़ से बढ़कर सीधा 2267 करोड़ रही है, और बेहतर बात यह कि इनका कामकाजी मुनाफा है 24% बढ़कर सीधा 127 करोड़ पहुंचा है। अच्छे नतीजे, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, 60 का टारगेट RCF पे और 55 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। और ऐसे ही ABB को भी नतीजों के दम पे आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत फायरवर्क्स नहीं था मुनाफे के फ्रंट पे, 116 करोड़ वर्सेस 102 करोड़, लेकिन कामकाजी मुनाफा 74 करोड़ से बढ़कर सीधा 123 करोड़ का हुआ है, तो ABB को पोर्टफोलियो में शामिल करें। वैसे भी अच्छी तेजी में आई ये स्टॉक, कोई भी डिप ट्रेडर यूज करने खरीदारी करने के लिए, नीचे भी मिल गया तब भी पोजिशनली बाय कॉल ही निकल के आएगी। 1468 ये एक स्टॉप लॉस लगाइए आज के लिए, और 1510 का लगा लीजिए एक टारगेट। आगे बढ़ते हैं, सूची को आगे बढ़ाते हैं, उसमें BSE लिमिटेड, देखिए नतीजे तो कुछ खास इनकरेजिंग देखेंगे नहीं आपको, 52 करोड़ के आसपास के मुनाफा इस कंपनी ने रिपोर्ट किया, लेकिन जो बायबैक की अनाउंसमेंट की है 67 लाख शेयर्स की, उस पर बायबैक के तहत 680 रुपये प्रति शेयर पर उन्होंने बायबैक की अनाउंसमेंट कर रखी है, यानी कि पेड अप कैपिटल का 24.73% हिस्सा जो है वो बायबैक करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर इस खबर के बलबूते स्टॉक में आज के सत्र में रिएक्शन देखने को मिले। 630 का लगाइए एक स्टॉप लॉस, और 660-665 इस रेंज पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं आप। BSE लिमिटेड लो लेवल से खरीदारी बन सकती है, लेकिन एक स्टॉक ग्लोबल स्पिरिट्स, ये कल भी बताया गया था आपको, कल के सत्र में तो नहीं चला, इंटरनेशनल मार्केट्स टूटे साथ साथ घरेलू बाजार में दबाव था, स्टॉक में दबाव आ गया, लेकिन हम बार बार यही कह रहे थे कि नतीजों के फ्रंट पे इस बार डिसअपॉइंट नहीं करेगी ग्लोबल स्पिरिट्स, और हो सकता है बेहतर नतीजे पेश करे। अब आप नतीजे सुनिए, उसमें 30% मुनाफा बढ़ा है, 288 करोड़ की फिगर है, कामकाजी मुनाफा 55% बढ़ा है, वाइनवाई बेसिस पे 27.5 करोड़ का कामकाजी मुनाफा, और मार्जिन 8% से बढ़कर 9.5%, मुनाफा 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास था वो बढ़कर हो गया 14 करोड़। तो ग्लोबल स्पिरिट्स यहाँ पर सीधे तौर पे तेजी का कैंडिडेट, 150 का टारगेट रखें और 132 का लगा लीजिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। कल ग्लोबल मार्केट या फिर ये कहें कि थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिरावट की वजह से कल IT से ऐसा मजबूत स्ट्रक्चर भी वापस से कमजोर हो गया। ये अगर कल वाले सेशन को हटा दें, अगर आज का सेशन देखेंगे तो आपको ग्लोबल मार्केट से चिंता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, शायद ITC जैसा दिग्गज अपने आपको बचाने की कोशिश करें, क्योंकि 300 वाला पड़ाव इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 300 के नीचे अमूमन वैसे तो जाता नहीं है, तो इसलिए हमने एक स्टॉप लॉस रखा है इसका 299। अगर इसको ब्रेक कर दे और इसके नीचे टिक जाए ना 5 मिनट, तब आप भले आप ITC से निकल जाइएगा, ये आपको आसानी से एग्जिट भी करवा देगा। तो 299 के नीचे सिर्फ 5 मिनट आपको रुकना है, अगर आए तो फिर इससे बाहर आइएगा, नहीं तो ये अगर बाजार कहीं भी सुधरे, किसी भी खबर से सुधरे, चाहे ट्रेड वॉर की खबर आए या कोई और पॉजिटिव खबर आए, उससे बाद आपको अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग वापस ITC में देखेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखें। 308 रुपये का टारगेट है, आप ITC पे वापस से एक ट्रेड देख सकते हैं। हाँ, वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर अभी तक जितनी मिड कैप FMCG कंपनीज के नंबर्स आए हैं उससे कोई खास चिंता भी नहीं लग रही है, तो ITC भी ठीक है, मार्केट का वेटेज वाला शेयर भी है। एक और शेयर आप रखें ध्यान में, वो हालांकि सेल कॉल है, वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। लगातार कई ब्लॉक डील्स भी हुई, बीच में खबर ये भी आई कि अपने डेट भी कम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ खास शेयर पर फर्क पड़ नहीं रहा, ना तो 1200 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, और बार बार जिस रेंज पे जाता है वहाँ एक अच्छा कंटेंडर बन जाता है वापस से शॉर्ट करने का। अगर मार्केट में आज थोड़ी भी सेलिंग फर्स्ट हाफ में रहती है या थोड़ी और थोड़ी एक्सटेंड होती है, तो एक बार अपोलो हॉस्पिटल में भी आप देख सकते हैं, कमज़ोर स्ट्रक्चर है, कल की क्लोजिंग भी कमज़ोर है, थोड़ी गिरावट को एक्सटेंड करेगा,
बहुत बड़े टारगेट मत रखिएगा, इसलिए हमने छोटा ही टारगेट रखा है इसमें, सिर्फ 1150 रुपए का। 1185 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी आपको बैक टू बैक दिया है, आप इस पर एक बार ध्यान रखें, अगर थोड़ा ऊपर खोलता है तो स्टॉप लॉस आपके लिए और जस्टिफाइड हो जाएगा। टायर स्टॉक्स पे दबाव है आज तो अपोलो टायर्स के नतीजे हैं, लेकिन सीएट के जो नतीजे आए हम बार बार यही कह रहे थे कि नतीजे रहेंगे कमजोर, और बिल्कुल उसी तर्ज पे नतीजे आए। 73 करोड़ का मुनाफा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 64 करोड़ का रिपोर्ट किया है। इनका जो कामकाजी मुनाफा है वो 174 करोड़ एक्सपेक्टेड था, 162 करोड़ रिपोर्ट किया है, और मार्जिन भी अगर सालाना आधार पर देखेंगे वो टूटते हुए नजर आए हैं, और ये अब सिंगल डिजिट में पहुंच गए, 9.2% के मार्जिन इस बार कंपनी ने रिपोर्ट किया। कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं बनेगी क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में दबाव था, लेकिन 1010 इस टारगेट के लिए आप बेचें 1048 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। सीएट पर रह सकता है दबाव, उसके बाद अपने प्रॉफिट्स को जरूर बुक कीजिए। और आखिर में महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, 21 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 24 करोड़ रहा है, ये रहा है सालाना आधार पर फिगर, लेकिन तिमाही दर तिमाही भी देखेंगे तब भी 19 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ के फिगर इस कंपनी ने रिपोर्ट की है। इनका कामकाजी मुनाफा 37 करोड़ से बढ़कर 41 करोड़ के आसपास आया है, तो ठीक है नतीजे ठीक साउंड कर रहे हैं, और लॉजिस्टिक क्षेत्र में बेहतर नतीजे इस कंपनी ने पेश कर दिए। 514-515 के लक्ष्य के लिए इसमें टारगेट रखें, और 496 ये आज के दिन का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पे लगाना। टाटा ग्रुप की तरफ से आज एक शेयर था स्टार्टअप मोटर्स, हमने बताया है टाटा पावर, आप एक बार इसको वीक होते देख सकते हैं, हालांकि महिंद्रा के जब प्राइस बढ़ाने की बात आई तब भी शेयर नहीं चला। उसके बाद अब टाटा ग्रुप को लेकर भी थोड़ी सी जीएसटी की खबर आई हुई है, खबर इसमें 61.50 रुपये का टारगेट रखे, एक बार आप शॉर्ट करें, कल डे लो पे जाके बंद हुआ है। ये पलटू शेयर नहीं है, अगर ये वीक है ना तो वीक ही रहेगा, आप थोड़ा बाजार के अंदर रिकवरी आ जाएगी तो इसके अंदर ज़्यादा तेज मूवमेंट आता नहीं है, बहुत स्लो शेयर है ये। 66 रुपीज़ का टारगेट, स्टॉप लॉस रखे, आप एक बार इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, कल का वीक और कमज़ोर स्ट्रक्चर है, ये शेयर पिट सकता है। एक और शेयर चलते चलते आपको बताएं, कल हमारे साथ 12:30 बजे हमारे एक मेहमान जुड़े थे हमारे साथ आशीष, उनका ये कहना था कि 960 रुपये तक का टारगेट रखें, एमजीएल पे रखें नज़र। कल हमने दिन भर एमजीएल के शेयर को वापस उसका ट्रैक भी किया, तो उनका शेयर बताया उसके बाद से ज़्यादा टूटा नहीं है, तो 947 बकायदा हरे निशान में इसकी क्लोजिंग भी थी, 960 रुपये का टारगेट रखें। ये जो गैस यूटिलिटी वाले शेयर्स हैं ना, इनके अंदर वापस आपको पुल बैक मिल सकता है आज के सेशन में, 938 का एक स्टॉप लॉस भी रखें। टूटना होता तो कल इसका बेहतर मौका था टूटने का, लेकिन कल अगर स्ट्रेंथ दिखाया है तो आज सेकंड हाफ में अगर पुल बैक आ जाए तो फिर हो सकता है पार्टिसिपेट भी करे, 960 का टारगेट है। चलिए फटाफट से देखते हैं रीकैप, शुरुआत मैंने आज मदरसन सुमी के साथ की है क्योंकि बीएमडब्ल्यू का शेयर अंतरराष्ट्रीय बाजार में टूटा है, उसका इंपैक्ट मदरसन सुमी और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स पे पड़ सकता है। बेचकर चले 126 के लक्ष्य के लिए मदरसन सुमी और टाटा मोटर्स, 186 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस और टारगेट, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस फॉलो कीजिए जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रहे हैं। इसके अलावा थॉमस कुक की है गुगली शेयर, 255 का लक्ष्य, 240 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसे खरीदें। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस नतीजे दमदार, आरसीएफ के नतीजे दमदार, दोनों स्टॉक्स इस ट्रिगर के बलबूते आज एक्टिव हो सकते हैं, तेज हो सकते हैं। एबीबी इंडिया 1510 का टारगेट के लिए खरीदें, 1468 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। बीएससी आज 660 का टारगेट है, 630 का स्टॉप लॉस लगाइए, और बार बार कह रहे थे ग्लोबल स्पिरिट्स के नतीजे बेहतर रहेंगे, आज 150 का लक्ष्य, 132 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। बेचना है तो सीएट, लेकिन खरीदना है तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स जिसमें 514-515 के लक्ष्य है और 496 का एक स्टॉप लॉस। हमारे तरफ से पहला शेयर होगा अल्ट्राटेक सीमेंट, कल की अच्छी खासी स्ट्रेंथ इसने दिखाई है तो आज और थोड़ा मजबूत हो सकता है, 4570 रुपये का टारगेट है। इसके अलावा बैक टू बैक अब तीन नतीजे वाले पे आप कंपनीज पे ध्यान रखिएगा, फुलटॉस होगा मंगलम सीमेंट, इसके नतीजे 11 तारीख को आ रहे हैं, नंबर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं तो इसलिए 285 रुपये का टारगेट रखे। गैरेंडस इंडिया के नंबर 9 तारीख को आ रहे हैं, कंपनी साल दर साल घाटे से मुनाफे में आ रही है, तिमाही तौर पर करीब 500% का प्रॉफिट दिखाएगी, और डिफेंस की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, डिफेंसिव भी है, 117 रुपये का टारगेट है। धनलक्ष्मी बैंक के नतीजे आज ही आ रहे हैं, ये पीसीए के बाद अपनी पहली बार नंबर दिखा रहा है बाहर आने के बाद, तो इसके नंबर भी इस बार फिर से साल दर साल घाटे से मुनाफे में आता हुआ दिखेगा, 21 रुपये का टारगेट रखें। सीमेंस कल वागले साहब की तरफ से दिया गया शेयर था, कमजोर है, आज थोड़ा और एक्सटेंड करेगा अपनी कमजोरी को, 1110 का टारगेट है। बर्जर पेंट भी एक कमजोर स्ट्रक्चर हो रहा है, ये ग्रोथ के दम पर नहीं चलेगा बल्कि कॉमोडिटीज की वजह से कॉस्टिंग प्रेशर झेलेगा, 298 का टारगेट है, शॉर्ट करें। आईटीसी का स्ट्रक्चरली डैमेज ज्यादा नहीं हुआ इसलिए आईटीसी के अंदर 308 के पुल बैक के लिए वापस तैयारी करें, लेकिन ध्यान रखें 299 का स्टॉप लॉस भी रख लें इंट्राडे बेसिस पर। अपोलो हॉस्पिटल ये थोड़ा सा कमजोर हुआ है, कमजोरी एक्सटेंड करेगा तो टूट जाएगा, 1150 तक भी आ सकता है। टाटा पावर भी अपनी गिरावट को थोड़ा और एक्सटेंड कर सकता है फर्स्ट हाफ में। एमजीएल लेकिन मजबूत स्ट्रक्चर है, कल भी ये टूटा नहीं बल्कि हरे निशान में खड़ा था, 100 पॉइंट टूटने के बावजूद इंडेक्स के आज पुलबैक का दिन हो सकता है, 960 का टारगेट है, 938 का स्टॉप लाइन। बिल्कुल 11500 के लेवल पे उसके नीचे फिसले थे तो ये बुल और बीएस के बीच में जो टसल थी वो कहीं ना कहीं बाजार पे हावी थी, और अभी भी कंफ्यूजन बहुत है कि मार्केट स्पेस में क्या करना होगा, तो ठीक 10:26 पे स्पेशल पेशकश आज तो बुल वर्सेस बियर। बिल्कुल, अब बुल वर्सेस बियर में आज हमारे साथ आशु मदान और संजीव भसीन वापस जुड़ने वाले अपने अपने रीजनिंग के साथ, ताकि आप उनको सुने और समझें कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं,
उनके तर्क क्या है बाजार को लेकर। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल चल रहा है, पता नहीं बाजार यहाँ से और कितना कमजोर हो जाएगा या फिर ये पुल बैक के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है वापस से, तो आज का ये एपिसोड बिल्कुल मिस करने वाला नहीं।